टीवी की दुनिया के सबसे पॉपुलर शो भाभी जी घर पर हैं से एक बुरी खबर सामने आ रही है। अपने अभिनय से सबको हंसाने वाले एक्टर दीपेश भान अब इस दुनिया में नहीं रहे। 23 जुलाई को सुबह उनकी अचानक मौत हो जाने से हर कोई सदमे में है। इस सीरियल में वो मलखान का किरदार निभाते थे और उनकी कॉमेडी लोगों को खूब पसंद आती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपेश भान की मौत का कारण अभी क्लियर नहीं हो सका है, लेकिन जब वे सुबह क्रिकेट खेल रहे थे तभी वे अचानक से गिर गए। फौरन उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें 11 मई 1981 को जन्मे दीपेश भान महज 41 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी को एक्टर चारू मलिक ने इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने एक्टर के साथ अपने बॉन्ड के बारे में कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि दीपेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें इस बारे में सुबह ही पता चला था। उन्होंने कहा, मेरी कल ही उससे मुलाकात हुई थी, हमने साथ में कुछ रील भी बनाए। मैं उसे पिछले 8 सालों से जानती थी, वो सेट पर मेरे सबसे ज्यादा करीब था, हम साथ में खाना भी खाते थे। चारू ने कहा, दीपेश भान एक अच्छे कलाकार के साथ एक अच्छे इंसान भी थे, वे हमेशा उनको सीन्स के दौरान गाइड भी करते थे, लेकिन उनका यूं चले जाना सभी के लिए एक भारी हानि है। तिवारी जी के रोल में सबको हंसाने वाले एक्टर रोहिताज गौर ने भी दीपेश के निधन पर दुख जताया है। हम भी भगवान से यही प्रे करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।